तो आज से घर के अंदर मुझसे शादी करोगे कि अगर मैं बात करूं तो कंटेस्टेंट के बीच में आपस में मुकाबला और शादी की दावेदारी शुरू हो गई। पारस, सना और साथ ही ये 10 के 10 कंटेस्टेंट आज घर के अंदर शहबाज के साथ एंटर हो गए हैं और अब शुरू हो गया है घर के अंदर प्रॉपर जो टास्क हो रहे हैं, राउंड हो रहे हैं। लेकिन आज के एपिसोड का मैं रिव्यू करूँ उससे पहले मुझे लगता है कि मेकर्स जो है एक और नई शहनाज कौर गिल बनाना चाहते हैं और इसीलिए शायद नवदीश कौर को जो है घर के अंदर लाया गया है। सिर्फ घर के अंदर के कंटेस्टेंट ही नहीं, खुद नवदीश जो है खुद को फेक शहनाज कहती हुई नजर आई और बोलती हुई नजर आई, मेरी औकात नहीं है कि मैं इधर आ गई हूँ, मैं सस्ती शहनाज हूँ, अगर किसी को उसकी अटेंशन नहीं मिल रही तो मेरे पास आ जाओ। तो ये खुद ही जो है वो दावे कर रही थी। और कल जिस तरह से वो स्टेज पर आई थी, जिस तरह से पंजाबी टोन में बातें कर रही थी, जिस तरह से वो क्यूटनेस दिखा रही थी, जिस तरह से वो सादगी दिखाने की कोशिश कर रही थी, तो ऐसा ही लग रहा था कि वो जो है सना बनने की यानी शहनाज कौर गिल बनने की कोशिश कर रही है। हालांकि बहुत मुश्किल है, शहनाज ने जो अचीव किया है बहुत ही नेचुरल तरीके से अचीव किया है, लेकिन नवदीश उसकी कॉपी कर रही है ऐसा कल से ही महसूस हो रहा था। और जैसे ही आज वो घर के अंदर गई तो अंकिता ने भी उनसे इस बात को लेकर सवाल कर लिए और साथ ही संजना भी जो है उन पर इस बात को लेकर चढ़ बैठी। यहाँ तक कि संजना ने सवाल किए तो जो है नवदीश जो है उनके पैर तक छूने चली गई, हाँ दीदी ओके दीदी, और वो रोना धोना जो कर रही थी वो भी ऐसा लग रहा था कि पूरी की पूरी शहनाज की कॉपी करने की कोशिश कर रही हैं। और जो संजना का दावा था कि नवदीश ने जो है इंस्टा से अपने वीडियो डिलीट किए हैं प्रॉपर हिंदी वाले, क्योंकि वो फेक सना की जो इमेज है वो रखना चाहती है, तो ये सारी चीज़ें जो है इस घर के अंदर इन्हीं चीज़ों से शुरुआत हुई, लड़ाई झगड़ों से शुरुआत हुई। और ये समझ में आ गया कि ये लड़कियों के बीच में जो है आपस के झगड़े बहुत ज़्यादा होने वाले हैं। वहीं जब सना को ये बात पता चली तो बहुत ही जेन्युइनली सना ने उन्हें सलाह दी कि आप जो है फेक बनने की कोशिश मत कीजिए। इस शो में आपको टेंशन तभी मिल सकता है जब आप जो है नेचुरल रहें। तो घर के अंदर जो पांच लड़के आए हैं, पहला ही टास्क दिया गया स्पीड डेटिंग का, और अगर ये लोग बोर हो जाते हैं तो बजर बजाना होगा। अगर मैं सभी की बात करूं तो जितने भी लड़के आए उन सभी को जो है सिद्धार्थ और शहनाज की जो बॉन्डिंग थी उस पर लेकर जो है चर्चा हुई। बलराज ने तो ये भी बोल दिया कि मतलब ये तो एक लड़ाई की तरह है, हम लोग जानबूझकर जो है उसमें कूद पड़े हैं और तुम्हारे मन से उसको निकालना बहुत ही मुश्किल है, तो हम एक ऐसे टास्क को करने आए हैं जो हमें भी पता है मुश्किल है लेकिन करना होगा। हालांकि शहनाज ने इन सब बातों में एक जगह साफ कर दिया कि मेरे मन में इतनी सारी फीलिंग है, सिद्धार्थ के मन में नहीं है वो सारी बातें। इंदीप ने बोला कि आप अभी भी उसी जोन में, उसमें से बाहर निकलने में आपको समय मिल लगेगा। सबसे पहले जो आए मयंक, उन्होंने जो बोला मयूर वर्मा, शायद एक्चुअली ना इतने सारे कंटेस्टेंट और अभी नए नए हैं इसीलिए मुंह पे जो है इतनी जल्दी नाम नहीं चढ़ पाता है। और जो सबसे पहले आए मयूर वर्मा, मयंक मेरे ख्याल से अग्नोत्री जो PhD डॉक्टर साहब है वो मयंक है, और वो भी बोलते हुए नज़र आए कि क्या कहते हैं कि आपकी जो बॉन्डिंग थी घर के अंदर, आपको देख के लगता था कि आप चिढ़ के दूसरों के पास चली जाती थी, लेकिन बॉन्डिंग की जो है सभी ने तारीफ की, सभी ने बोला। और रोहनप्रीत जब आए उनसे बातचीत हुई, तो एक एक करके अगर मैं बात करूं कि किसी सबसे क्या बात हुई, तो उन्होंने आते ही मयूर ने बोला कि सिद्धार्थ, तुम्हारी सिद्धार्थ से लड़ाई होती थी, मूड ऑफ होता था, तुम दूसरों के पास जाती थी, तो ये समझ में आता था कि वो तुम इसलिए जा रही हो कि मूड ऑफ हुआ है तुम्हारा। और आप सेटल होने वाली इस तरह की लड़की है कि आपको बहुत ज़्यादा पैम्परिंग चाहिए, तो सना ने पूछ भी लिया कि ऐसे तो बहुत जल्दी इरिटेटिंग हो जाएगा, तो बोला नहीं होगा ऐसा इरिटेटिंग, मुझे पता है कि आप इस तरह के। इंद्रदीप बख्शी आए तो उन्होंने आते ही बोला कि मुझे मालूम है तो अभी भी तुम अभी उस जोन से बाहर नहीं निकली हो, पता लग जाता है कि तुम कहाँ फेक हो कहाँ ऑनेस्ट हो। जब शो मैंने देखा तो ये समझ में आ गया था कि तुम सही स्टैंड के लिए भी लड़ती थी, तो कहीं ना कहीं जो है प्रैक्टिकल हो, तुम समझदार हो, तुम्हें एंटरटेनमेंट पसंद है। लेकिन उनकी बारे में जो है सना ने बहुत ही जल्दी बजर बजा दिया और बोला कि नहीं मैं बहुत बोर हो रही हूँ। फिर आए डॉक्टर साहब और जो है उन्होंने आते ही पूछा कि तुम माँ बाप से लड़के आई हो, ऐसा स्टैंड ले रही हो, कैसे आई, कैसी जर्नी रही। वहीं सना ने भी उनके बारे में जानना चाहा कि आपका डाइवोर्स क्यों हुआ, और कहीं ना कहीं एक बात उन्होंने साफ कर दी कि मैं आपको यहाँ जानने आया हूँ, शादी के बारे में हम बाद में सोचेंगे। तो सना ने बोला मुझे बहुत अच्छी लगी ये बात कि आपने बहुत जेन्युइनली अपनी फीलिंग को रखा। बलराज की बात करूँ तो उन्होंने बोला कि हम तुम और मैं अगर मिल जाए तो हम दोनों का जैसा का बॉन्डिंग, हम इंडस्ट्री के सबसे महंगे कपल हो सकते हैं। और उन्होंने ये बात बोली कि सिद्धार्थ और उसकी बॉन्डिंग से निकलना या उस तुम्हारे मन से सिद्धार्थ को निकालना बहुत मुश्किल है, और हम सभी एक हमें मालूम है एक ऐसी जंग को जीतने आए हैं जो मुश्किल है। लेकिन उन्होंने जो है अच्छे से एंटरटेन किया इनको, बलराज ने बहुत ही अच्छे से एंटरटेन किया, हंसी। और जब
सना ने स्पीड डेटिंग की बात कही कि कौन सबसे ज़्यादा अच्छा लगा उन्हें, तो उन्होंने यही बोला कि मुझे सबसे अच्छे बलराज लगे। रोहनप्रीत आए, रोहनप्रीत को पहले से ही जानती है, तो उनसे पूछ रही थी तुम क्यों आए हो, तुम्हें किसी ने पीछे से बोला कि तुम आओ, पुश किया या मैं फेमस हो गई? तो इस तरह के सवाल जवाब हुए। और फिर उन्होंने भी बोला कि तुम्हारी और सिद्धार्थ की बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी, एक दूसरे को देखकर बहुत अच्छा लगता था। तो उन्होंने बोला तुम वो बॉन्ड बना पाओगे क्या? तो उसने बोला कोशिश करेंगे, वो बॉन्ड बनाना तो मुश्किल है। पारस के लिए एक एक करके लड़कियाँ आई, नवदीश आई, आते ही उन्होंने पैरों पर पट्टी बांधी और जिस तरह से वो बड़बड़ कर रही थी, पारस को अलादीन बोलना, जिन्नी बोलना, लेकिन जो है बहुत सारी चीज़ें जो है उनके आपस में दिखी। और नवदीश को देखकर बाबा वाकई में ये लग रहा है कि वो दूसरी सना बनने आई हैं। और पारस ने भी इस बात को जाहिर किया। और अगर मैं बात करूँ तो प्लेबॉय की बात हुई, फिर उन्होंने बोला कि आप मुझे जेन्युइन लगे जब आपने 100 रुपये वाली बात कही। हिना आई, हिना ने आते साथ ही बोला कि आप गोल्डन बॉय हैं। उन्होंने बोला आप मैंगो क्यों बनी हुई है, येलो कलर का साड़ी पहना हुआ था उन्होंने, तो तब भी उन्होंने बोला कि मुझे टॉल पर्सन पसंद है, हमारी कंफर्टेबिलिटी होनी चाहिए। फर्स्ट डे हिना ने हाथ पकड़ने की कोशिश की तो पारस ने बोल दिया मैं पहले ही दिन हाथ नहीं पकड़ सकता हूँ। पारस ने फिर बताया कि उन्हें इमोशनल स्ट्रांग लड़की चाहिए, जैसे उनकी मम्मी है, ऐसी क्वालिटीज़ वो ढूंढ रहे हैं। वहीं फ्रेंडशिप, उन्होंने बोला कि पहले फ्रेंडशिप अच्छी होनी चाहिए, फिर आगे किसी बात के बारे में हम सोच सकते हैं। जसलीन के साथ मुझे वो पहले से कंफर्टेबल दिख रहे थे, और जो है उन दोनों ने मिलके बाकी लड़कियों को जेलस करने के लिए जो है थोड़े बहुत चीज़ें भी की, और लड़कियां थोड़ी जेलस होती हुई भी नज़र आई। अंकिता जो है बाहर बैठी हुई थी, वो यही बोल रही थी बॉयज़ को कि मैं इस तरह का हस्बैंड या बॉयफ्रेंड नहीं चाहती जिसको इम्प्रेस करने के लिए नाचना गाना पड़े। संजना आई, संजना ने उनके साथ डांस किया, उनके लिए खाना लेकर आई। तो कहीं ना कहीं ये सभी लड़कियाँ जो है माहिरा और इनकी बॉन्डिंग की बातें भी हुई। फिर अंकिता आई, जिसको लेने खुद पारस गए, और कहीं ना कहीं अंकिता ने उनसे आकांक्षा को लेकर सवाल भी किया और अपनी ये राय रखी कि अगर वो प्यार करती तो ये सारी बातें शेयर नहीं करती। लेकिन साथ ही उन्होंने पारस को ये भी बोला कि आपको अगर वाकई में घर में ये सब चीज़ें बोलनी थी, आप बाहर बोल के आना चाहिए था आपको। तो अंकिता और उनकी जो है बहुत सारी चीज़ों को लेकर बहस हुई। पारस ने बोला कि आपको दूसरे लोग देख रहे थे, जेलस फील होता है। तो कहीं ना कहीं पारस और अंकिता के बीच की केमिस्ट्री जो है मुझे शुरुआत से दिखनी शुरू हुई है। और वहीं उन्होंने भी बोला कि अगर डेटिंग किसी के साथ अच्छी रही तो अंकिता के साथ रही। अगले दिन उनके लिए चाय कौन बनाएगा? पारस बनाए, पारस के लिए चाय कौन बनाएगा? जसलीन बनाएगी, संजना बनाएगी। इन सब चीज़ों को लेकर लड़ते हुए ये लोग नजर आए। लेकिन घर के अंदर वो एलीट क्लब का जो रूम बनाया गया था उसमें सब बैठ के डेटिंग हो रही थी, और वो सारा घर देखकर ना वो बिग बॉस की इतनी ज़्यादा छाप लग रही है ना, घर के अंदर भी बिग बॉस की बातें हो रही हैं। आते ही पूछा गया, जब जसलीन ने सना से पूछा कि तुम तो बहुत मिस कर रही होगी, तो उसने बोला हाँ मैं सिद्धार्थ को बहुत मिस कर रही हूँ, मेरे इस घर में उनके साथ बहुत सारे मोमेंट्स रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सिद्धार्थ शुक्ला और सना की बॉन्डिंग यहाँ पे भी अभी बहुत ज़्यादा ओवरशैडो हो रही है, हर कोई उसी की बात कर रहा है। और बिग बॉस के सेटअप में अगर आप इस शो को देखेंगे तो उस शो को भूलने में थोड़ा समय ज़रूर लगेगा और थोड़ा समय ऑडियंस को भी लगेगा, क्योंकि आपने सेम सेटअप में सेम कैरेक्टर के साथ जो है एक नया शो शुरू किया जहाँ बार बार बिग बॉस की बातें हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं उस शो से कंपैरिजन आप लोगों ने ही, मेकर्स ने ही शुरू कर दिया है, और ये शो अपनी आइडेंटिटी बनाने में थोड़ा समय और लेगा। आज थोड़ी रफ्तार मुझे अच्छी लगी, 3 दिन बहुत ही ज़्यादा, पहले दिन अच्छा था, दूसरे तीसरे दिन बोर हो गया था। आज के दिन जो है स्पीड थोड़ी पकड़ी है शो ने, लड़कियों का आपस में लड़ना, कोई सेंशुअस ज़्यादा बनना चाहती हैं, आपस में लड़ रही हैं। शहबाज का जो एंगल है वो अंकिता को पसंद करने लग गया ऐसा लग रहा है, और किस तरह से जो थोड़ा थोड़ा कॉमेडी का तड़का ला रहे हैं, ठीक है। लेकिन शहबाज से मैंने इससे ज़्यादा उम्मीद की थी, मुझे लग रहा था शहबाज इस शो में और भी कुछ लेकर आएंगे, लेकिन यहाँ पर जो है जिस तरह से मेकर्स पर दबाव बना कर शहबाज को घर के अंदर लाया गया है, वो दबाव में आए हुए कैंडिडेट के तौर पर दिख रहे हैं, क्योंकि वो ऑर्गेनिक लग ही नहीं रहा। इतने सारे लोगों में 5 लड़कियां हैं जो पारस के लिए आई हैं, 5 लड़के हैं जो सना के लिए आए हैं, उसमें शहबाज क्या कर रहे हैं, ये जो है भूमिका अभी तक समझ में नहीं आ रही है। बैंड बाजा के साथ वो डांस करते हुए घर के अंदर आ तो गए, लेकिन यहाँ पर जो है उनकी कोई अगर कोई भूमिका नहीं रही तो वो वाकई में वो जो लोगों के दिमाग में है ना कि सना ने जबरदस्ती में ये शो किया है वो रहेगा ही। इस शो को जो है एकदम स्मूथ लाने के लिए, स्मूथ बनाने के लिए दर्शकों के दिलों से ना बहुत सारी चीज़ें निकालनी होंगी। पहले तो बिग बॉस से कंपैरिजन निकालना होगा, आप उसी घर में कर रहे हैं, बार बार बिग बॉस की बातें हो रही हैं, तो ये शो जो है फिर ओवरशैडो बनकर ही रह जाएगा। तो कल हम देखने में मज़ेदार थोड़ा सा लग रहा है जब सना टच करके बताएंगी कि कौन है लड़का वो, और पारस जो है लड़कियों की खुशबू देख कर गैस करने वाले हैं कि कौन है लड़की। तो शो जैसे जैसे जा रहा है ऐसे ऐसे लग रहा है कि थोड़ा सा जो है बोल्ड
होगा आगे जाकर शो। सना के लिए अभी भी जो है टास्क काफ़ी साफ सुथरे रखे गए हैं, काफ़ी साफ सुथरी बातें हो रही हैं, लेकिन जो लड़कियों के साथ टास्क हो रहे हैं, लड़कियों के साथ चीज़ें हो रही हैं, वो मुझे थोड़ी बोल्ड लग रही हैं। और इनकी आपस में लड़ाई हो या फिर सोते हुए चाय कौन बनाने वाली बातें हो, कल हमने देखा कि किस तरह से जो है कपड़ों पर कमेंट हो रहे हैं। जसलीन ने बहुत छोटी पैंट पहनी है, इसको लेकर संजना ने कमेंट कर दिया। स्टेज पर भी जब वो आई थी डांस करने, तब भी उनके कपड़ों पर, छोटे कपड़ों पर कमेंट किया था। घर के अंदर भी वो कमेंट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो जहाँ बिग बॉस में हमने देखा था कि बॉडी शेमिंग लड़के कर रहे थे, यहाँ लड़कियाँ ही लड़कियों की कर रही हैं। तो ये सारी चीज़ें, जो झगड़ा हो रहा था, वो झगड़े की शुरुआत इस शो में भी होने वाली है। आज एक राउंड से, टास्क से शुरुआत हो गई। अगले हफ्ते आते आते मुझे लगता है 14 हफ्ते का शो है, ये शो पिक करेगा, लोगों को पसंद आने लगेगा। लेकिन मैं बार बार ऑडियंस से यही कह रही हूँ कि इसको बिग बॉस के कंपैरिजन में अगर नहीं देखेंगे तो ही इस शो को आप ज़्यादा एंटरटेन हो सकेंगे इस शो से। तो आपको क्या लगता है, आपको आज का शो कैसा लगा? क्या वाकई में आपको लगता है कि ये शो को आप अपना 10:30 से 12 का समय दे सकते हैं? कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लेकिन कमेंट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।